चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं कमोडिटी बाजार से जुड़ी आज की बड़ी अहम खबरों पर। विदेशी बाजारों में तेजी के बीच तेल तिलहन बाजार में ज्यादातर खाद्य तेलों के दाम में वृद्धि देखी गई है। बाजार से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि मलेशिया एक्सचेंज में जहां 3.2% की तेजी रही, वहीं शिकागो एक्सचेंज करीब 2.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। सूत्रों ने बताया कि सूरजमुखी तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण मूंगफली तेल की मांग बढ़ी है। वहीं सोयाबीन तेल का भाव ऊंचा रहने की वजह से सरसों तेल की मांग भी बढ़ी है, जिससे बड़ी मात्रा में सरसों रिफाइंड तेल भी बन रहा है। इसके अलावा सरसों की आवक बढ़ रही है, लेकिन इसकी मांग भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है, जिसके कारण सरसों तेल की कीमतों में सुधार देखा जा रहा है। रुक करते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 7 से लेकर 10 मार्च तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मराठवाड़ा और विदर्भ में सुबह से ही बादल छाए रहने से किसानों की चिंता और बढ़ गई है। मराठवाड़ा के किसान खरीफ सीजन में बेमौसम और अतिवृष्टि से काफी परेशान हैं। अब एक बार फिर रबी सीजन में भी उन पर ज्यादा बारिश का असर होता साफ दिखाई दे रहा है। रबी फसल के मौसम को बदलते देख किसान परेशान हैं, खास तौर पर वे किसान जिन्होंने प्याज की खेती की हुई है। रबी सीजन की प्याज खेतों से निकल रही है, ऐसे में बारिश तेज हुई तो प्याज सड़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक प्रदेश है। यहाँ होने वाले प्याज उत्पादन का 65% रबी सीजन में होता है, ऐसे में बारिश से फसल नुकसान का जो खतरा है ज्यादा है। महाराष्ट्र में इस वक्त प्याज के अलावा चना, गेहूं और ज्वार की जो फसल है वो बेमौसम बारिश हुई तो किसानों का जो बहुत है वो नुकसान हो जाएगा। अलर्ट के बाद किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वह जल्द से जल्द तैयार प्याज को अपने खेतों से कैसे निकाले। अब बात करते हैं अगली खबर की ओर, अपनी रुख करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का खत्म होना है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों और चुनाव का ट्रेंड बताता है कि मोदी सरकार चुनाव से ठीक पहले कीमतों में बढ़ोतरी बचती रहती है। हालांकि चुनाव खत्म होते ही वह कीमतों को बढ़ाने में देर नहीं करती। इसी वजह से पेट्रोल डीजल में 20 से 25 रुपए की जो बढ़ोतरी है तय मानी जा रही है। खबर है कि कच्चे तेल का भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद भारत में भी सरकार और सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल तथा डीजल के दाम बढ़ाने पर मंथन शुरू कर दिया है। वहीं तेल कंपनियों ने 3 नवंबर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। ट्रेंड ये भी कहता है कि दामों में बढ़ोतरी एक बार में ना होकर रोज थोड़ी थोड़ी होगी, यानी आज करीब 15 रुपए दाम बढ़ा दिए जाए, फिर धीरे धीरे करके 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी और किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $140 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। दिसंबर 2021 में क्रूड का औसत मूल्य $73 के करीब था, यानी कच्चे तेल की कीमत करीब दोगुना हो चुकी है, लेकिन पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स का जो कहना है उनके मुताबिक कच्चे तेल के दाम चढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल पर 15 से 20 रुपए प्रति लीटर का घाटा पड़ रहा है। क्रूड के दाम लगातार बढ़ने से कंपनियों का घाटा भी लगातार साफ बढ़ रहा है। वहीं 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के तुरंत बाद दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी
हो गए हैं। सोने की कीमत बढ़ गई है और क्रूड ऑयल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। युद्ध वाले दिन क्रूड करीब $100 पर कारोबार कर रहा था, जो अब 140 तक पहुंच चुका है। यानी रूस और नेचुरल गैस का जो बड़ा उत्पादक है, बीपी स्टैटिकल रिव्यू के अनुसार 2020 में रूस क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंडेंसेट के उत्पादन के मामले में दूसरे नंबर पर था। इस दौरान रूस ने प्रतिदिन 10.1 मिलियन बैरल का उत्पादन किया। रूस के आक्रमण के कारण कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। इसी वजह से क्रूड की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता है और दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं भारत क्रूड ऑयल की 85% से ज्यादा आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। रूस के तेल एक्सपोर्ट का लगभग आधा, करीब 25 लाख बैरल प्रतिदिन जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, ग्रीस, रोमानिया और बुल्गारिया सहित यूरोपीय देशों को भेजा जाता है। हालांकि भारत काफी कम तेल रूस से इंपोर्ट करता है। 2021 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 43,400 बैरल तेल का इंपोर्ट किया। ये भारत के तेल इंपोर्ट का केवल 1% है। रूस पर लगी पाबंदियों की वजह से भारत तेल सप्लाई को ज्यादा प्रभावित नहीं होगी, लेकिन क्रूड के दाम बढ़ने का सीधा असर होगा। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना की पहली लहर में 2 बार में पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। हालांकि इसके बाद 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी की कटौती भी की गई थी। अगर सरकार दाम बढ़ाने के बाद एक्साइज ड्यूटी में कटौती नहीं करती तो महंगाई बेकाबू हो सकती है। बात करते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर बता दें आपको एक बार फिर से, खाद्य तेल के दाम में 25 से 35 रुपए प्रति लीटर तक का उछाल आ गया है। 12 दिन पहले सोयाबीन का जो पैकिंग तेल था वो 132 से लेकर 140 रुपए प्रति लीटर मिल रहा था, जो अब फूटकर 175 रुपए तक मिलने लगा है। वही सरसों तेल 175 रुपए से बढ़कर 200 रुपए प्रति लीटर फूट कर मिल रहा है। रूस व यूक्रेन से सनफ्लावर का जो तेल आता है, दोनों देशों के बीच युद्ध के चलते परिवहन सेवा प्रभावित होने के कारण सनफ्लावर तेल के दाम में भी 30 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं मूंगफली तेल का दाम भी 25 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गया है। इससे पहले कोरोना संक्रमण के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होने से तेलों के दाम में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई थी। सरकार ने रिफाइंड पाम तेल के आयात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। पाम तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी घटाई गई थी। इससे तेल के दाम कम हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर तेलों के दाम बढ़ गए हैं। वहीं थोक तेल कारोबारी इन तेलों के दाम बढ़ने का कारण खाद्य तेल सहित तेल बनाने वाली जरूरी सामग्री का आयात घटना बता रहे हैं। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि रूस व यूक्रेन के युद्ध के नाम से कुछ व्यवसायी अधिक लाभ कमाने के लिए मुनाफाखोरी कर रहे हैं, इसलिए भी दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जानकार कहते हैं कि थोक व फुटकर तेल कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय है, इसलिए मुनाफाखोरी करना व्यवसायियों के लिए आसान नहीं है। खाद्य तेलों के बढ़ते दाम का असर घर के बजट पर पड़ने लगा है। 5 सदस्यीय परिवार में महीने भर के 10 लीटर सोयाबीन का तेल लग जाता है। 1.5 सप्ताह पहले 140 रुपए प्रति लीटर के भाव से 10 लीटर तेल 1400 रुपए का आता था, अब इतना ही सोयाबीन का तेल 175 रुपए के भाव से 1750 रुपए का आ रहा है। हर महीने 350 रुपए अधिक लग रहा है। घर का बजट भी लोगों का अब मान लीजिए बिगड़ने लगा है। वहीं रूस व यूक्रेन के युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित होने से आयात भी घट रहा है। देश में 50 से 60% तक खाद्य तेल आयात होते हैं। समुद्री परिवहन सेवा प्रभावित हो चुकी है, इससे करीब 10 से 15% तक आयात घट गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहना होता है। यदि युद्ध बंद नहीं हुआ और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो खाद्य तेलों के दामों में 35 से 40% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को महंगाई से राहत मिलना मुश्किल हो सकता है।
आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान के बाद रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने लगाए गए प्रतिबंध भारत की आयात क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। एक रिपोर्ट में ऐसी आशंका जताते हुए कहा गया है कि इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर उत्पादन लागत में दबाव के रूप में भी पड़ सकता है। क्रिटिकल ने सोमवार को अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में रूस को भारत से किए जाने वाला निर्यात 2.55 अरब डॉलर रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.87 अरब डॉलर के निर्यात से 30.1% से अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के शुरुआती 9 महीने में भारत से यूक्रेन को 37.2 करोड़ डॉलर यानी कि 0.2% का निर्यात किया गया। हालांकि इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस्पात और एल्यूमिनियम जैसे कुछ क्षेत्रों को बढ़ती कीमतों से फायदा भी हो सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तब कच्चे तेल का भाव $97 प्रति बैरल था, अब ये $125 के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि इस दौरान रिटेल में पेट्रोल डीजल का जो भाव नहीं बढ़ा है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण पेट्रोल डीजल का भाव पिछले 4 महीने से बरकरार है। इसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं बढ़ती कीमत का असर केमिकल्स और पेंट इंडस्ट्री पर भी साफ दिखाई दे रहा है। इन दो इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे में इन दो सेक्टर की कंपनियों के मार्जिन पर असर होगा। जून तिमाही तक इन कंपनियों के मार्जिन पर असर दिखाई देगा। इन कंपनियों की इन्वेंट्री तेजी से घट रही है। कमोडिटी में तेजी से महंगाई पर भी इसका असर होगा। कमोडिटी में तेजी के कारण स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर को फायदा मिलेगा, हालांकि कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट और ऑटोमोबाइल पर इसका बुरा असर भी होगा। कच्चे तेल में तेजी से नेचुरल गैस की कीमत पर भी इसका असर होगा। नेचुरल गैस की कीमत का असर फर्टिलाइजर सेक्टर पर होगा। हालांकि कंपनियां इसका रेट आसानी से बढ़ा सकती हैं, जिसके कारण कंपनियों के रेवेन्यू पर ज्यादा असर नहीं दिखेगा। अगर लड़ाई लंबी चलती है तो देश में यूरोपीय समेत अन्य फर्टिलाइजर की किल्लत हो सकती है। भारत जरूरत का 8% यूरिया रूस और यूक्रेन से आयात करता है। बढ़ते हैं आगे। सोमवार को मलेशिया में पाम तेल वायदा में जोरदार उछाल देखा गया। दक्षिण अमेरिकी देशों में सोयाबीन का उत्पादन घटने और कनाडा में रेपसीड की फसल कमजोर बैठने की आशंका भी मलेशिया पाम तेल को अच्छा उछाल दे रही है। मलेशिया में पाम ऑयल का स्टॉक भी फरवरी अंत में 11% से ज्यादा घटा हुआ बताया गया है। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचता देख भारत सरकार ने इंडोनेशिया, मलेशिया, लैटिन अमेरिका देश से पाम तेल, सोया तेल और केनोल तेल का आयात बढ़ाने को कहा है। हो सकता है कि एशिया देशों से राइस ब्रान तेल का आयात भी आने वाले दिनों में तेजी से हो, जो लागत में भी सस्ता होगा। सरकार कीमतों को घटाने के लिए आयात शुल्क में बदलाव पर भी सोच रही है। अगर ऐसा होता है तब भी बाजारों में अधिक गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि सूरजमुखी तेल का आयात विदेशियों से जो है वो बंद सा हो रहा है। क्रूड तेलों के भाव आसमान पर है। रुपए कमजोर पड़ने से आयात लागत अधिक है। सोमवार को विदेशी बाजारों में तेजी के संकेत मिलने से चीन सी बोर्ड प्रोजेक्शन और KLC में सप्ताह के पहले ही दिन तूफानी तेजी देखने को मिली है। रूस से कच्चे तेल पर आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की खबर से कच्चे तेल की करीब 8% की बढ़त देखने को मिली है। इससे खाद्य तेल में भी मजबूती देखने को मिली। वहीं रूस यूक्रेन संकट से विश्व भर के तेल बाजारों में भारी उठा पटाख जारी रही। यूरोप में सूरजमुखी तेल का संकट पैदा होने लगा है। वहीं युद्ध खत्म हो भी जाता है तो भी यूक्रेन से तेल आपूर्ति शुरू होने में लंबा समय लग सकता है। घरेलू बाजार में ऊंचे दामों पर ग्राहकी का जो सपोर्ट है वो नहीं मिलने से कीमतें मजबूती पर टिकी रही। इंदौर में सोयाबीन तेल 1550, पाम तेल इंदौर में 1590 रुपये प्रति 10 किलो पर स्थिर रहा। हालांकि सोमवार को KLC जोरदार बढ़त के साथ बंद होने से तेलों में फिलहाल मंदी नजर आ रही है। मूंगफली तेल में कामकाज सामान्य रहा, भाव में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा है। तो ये थी कमोडिटी बाजार से जुड़ी आज की अहम बड़ी खबरें।
तो और ऐसे ही अपडेट्स के लिए और जानकारी के लिए और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।